इस वीडियो की हेडिंग पढ़कर आपने पहले ही राय बना ली होगी, ये भी तय कर लिया होगा कि इसे कैसे जज करना है। बहरहाल जो भी हो, मैं अपनी बात कहूँगा, अपनी चिंता तो जाहिर करनी ही है। मुझे ये वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है। ये तेलंगाना के निजामाबाद जिले के ऐलापुर गांव का है। यहाँ के एक जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की बस मॉब लिंचिंग नहीं हुई, बाकी सब हो गया। घेरना, शोर मचाना, माफी मांगने पर मजबूर करना वगैरह वगैरह। वजह ये है कि झंडा फहराते वक्त ये प्रिंसिपल साहब जूते पहने थे, या ये वजह भी हो सकती है कि इस शख्स का नाम यकीनुद्दीन है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। दर्जन भर से ज्यादा गुंडों ने उन्हें घेर लिया और देशभक्ति का अपना काढ़ा उनके हलक में उड़ेल दिया। नारे लगे, शोर मचा, परेड निकाली गई। यकीनुद्दीन ने बहुत समझाया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि झंडा फहराते वक्त जूते उतारने हैं। सभी जूते पहने रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब। इससे झंडे का कोई अपमान नहीं होता, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब खुद को देशभक्त साबित करने का मौका आता है तो कौन उसे छोड़ना चाहता है। ये भीड़ है, उंगली कटाकर शहीदों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने की कोशिश करने वाली भीड़। खुद को बड़ा देशभक्त साबित करने के लिए इन्हें एक आसान शिकार की जरूरत होती है। इनकी देशभक्ति पर थूकने का मन करता है। जब प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया तो उन्होंने जूते नहीं उतारे। वहां मौजूद वीआईपी लोगों के हुजूम में से किसी ने भी जूते नहीं उतारे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और फिल्म स्टार्स तक जब झंडा फहराते हैं तो जूते पहने रहते हैं। ऐसा ही हमेशा से होता आया है। भारत के इतिहास में आज तक ये मुद्दा कभी जिक्र के काबिल नहीं था। अब अचानक देशभक्ति के नए नए पैमाने ईजाद किए जा रहे हैं, नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। अब जब तक चीखा न जाए, कोई मानता ही नहीं कि आप देश से प्यार करते हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है। अलग अलग धर्मों के इस मुल्क में 15 अगस्त और 26 जनवरी, यही दो ऐसे त्योहार थे जो सबके साझे होते थे। नारे तब भी लगते थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कितनी मोहब्बत हुआ करती थी उनमें, क्योंकि उनका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए नहीं होता था। दहशत के प्रतीक नहीं थे ये नारे। भारत माता की जय कहना कितना जोश भरा होता था, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था। अब जब डंडे के जोर पर कहलवाने की कोशिश होती है तो अंदर एक हिकारत सी पैदा होने लगती है। मुझे डर है कि राष्ट्रवाद के नाम पर होने वाली ये गुंडई इन प्रतीकों के प्रति हमारी सहजता खत्म न कर दे। अब वो वक्त आ चुका है कि अगर चार लोग किसी चौराहे पर इकट्ठे होकर भारत माता की जय के नारे लगाने लगें तो देश की माएं अपने बच्चों को उधर जाने से मना कर देती हैं। ऐसी जगहों पर उन्हें बवाल होने की आशंका लगती है। ये नारे अब नारे नहीं रह गए हैं, कर्कश चीखों में तब्दील हो चुके हैं। इनसे कोई देशभक्ति नहीं जागती है मन में, डर लगता है। एक फिल्म आई थी, कभी खुशी कभी गम। उसके सीन में जब राष्ट्रगान आया तो मुझे याद है कि सिनेमा हॉल में बैठे सारे लोग कितने उत्साह से खड़े हुए थे। मुझे आज भी याद है, सबने साथ में गाया था। पर अब जब फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजता है तो बेमन से खड़ा होता हूँ। मनबागी भी होता है कि बैठा रहूं, फिर दिमाग चेताता है कि कहीं से कोई आएगा और थप्पड़ मार देगा। मैं अचानक से खड़ा हो जाता हूँ। मेरा राष्ट्रगान मुझसे अजनबी होता जा रहा है। मुझे उससे जो इश्क है उसके इर्द गिर्द किसी की घृणा आ लिपटी है। मुझे इस घृणा से दिक्कत हो रही है। मुझे राष्ट्रवाद के इस घिनौने मॉडल से दिक्कत हो रही है। और हाँ, मैं पाकिस्तान नहीं जाने वाला। मुझे यकीन करने दीजिए कि ये वक्ती दौर है। इस चीखती हुई भीड़ का गला भी बैठेगा एक दिन। वो दिन भी लौटेगा जब मैं भारत माता की जय का नारा पूरी सहजता से लगा पाऊंगा, ना कि किसी भीड़ की दहशत से घबरा कर। साहिर की तरह मुझे भी इंतजार है कि वो सुबह कभी तो आएगी।